स्वागत है आपका आज के एपिसोड में सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को प्रश्न था निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है ए वातायन बी बारी सी दरिचा डी उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द पहला प्रश्न है आत्मा का विलोम है ए परमात्मा बी महात्मा सी दुरात्मा डी समानता इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए परमात्मा अगला प्रश्न है आलोक शब्द का विलोम है ए प्रकाश बी ईशान सी शिशिर डी तिमिर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तिमिर अगला प्रश्न है आहत शब्द का विलोम होगा ए अनाहत बी हत सी छत डी प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अनाहत अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम है ए विशेषण बी विकर्षण सी संकर्षण या डी संरक्षण इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विकर्षण अगला प्रश्न है आदर्श का उचित विलोम है ए अनैतिक बी प्रतिदर्श सी हास्य रस डी यथार्थ इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यथार्थ अगला प्रश्न है आदान शब्द का विलोम क्या है ए अवदान बी अनुदान सी प्रदान डी प्रावधान इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रदान अगला प्रश्न है इहलोक का विलोम है ए दैत्यलोक बी स्वलोक सी देवलोक या डी परलोक इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी परलोक अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द है ए निष्कर्ष बी अपकर्ष सी उपकर्ष डी उत्सर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपकर्ष। अगला प्रश्न है नया का विलोम शब्द बताइए ए पुराना बी ताजा सी स्वच्छ डी फीका इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पुराना अगला प्रश्न है उपजाऊ का विलोम क्या है ए सिंचित बी खाद सी ऊसर डी बंजर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उसर अगला प्रश्न है उत्थान शब्द का विलोम है ए प्रस्थान बी विस्थापन सी अनुत्थान डी पतन इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पतन अगला प्रश्न है उद्यम शब्द का विलोम है ए प्रवीण बी नीरज सी आलस्य डी नृप इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी आलस्य अगला प्रश्न है उपेक्षा शब्द का विलोम है ए अपेक्षा बी अवेक्षा सी अनुपेक्षा या डी अनवेक्षा इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपेक्षा अंतिम प्रश्न है उपचय शब्द का विलोम है ए अवनत बी अपचय सी रोपण डी अनुर्वर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपचय तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को उद्घाटन का विलोम होगा ए प्रसारण बी गुप्त सी समर्पित डी समापन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया